पहले हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो ये इस तारीख को अवश्य हो जाना चाहिए। जहां तक एक और है कि जितने भी हमारे भाई हैं, चुनाव है, हमारे भाइयों का चुनाव है, चुनाव को चुनाव की तरह रहे, सौहार्द और आपस में प्रेम भाव वो सबसे जरूरी है। प्यार इंसान को इंसान बना देता है, उम्र की राह को आसान बना देता है। ऐ खुदा ने रब मेरी कथाओं पे निगाह, प्यार को पत्थर को भगवान बना देता। तो मैं यही कहता हूँ कि हमारा प्यार बना रहना चाहिए। जीतने वाला भी हमारा भाई है, पीछे रहा है वो भी मेरा भाई है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनका मेरा नहीं है तो भाई बारह साल मैं पुनः सभी प्रत्याशियों को अपनी शुभकामनाएं करता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ और हम उससे मिलजुल करके अपने जो वमन काल है उसको आगे बढ़ाते रहे। इसी में हमारी सबसे बड़ी जीत है। मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना मान दिया। बहुत ही बहुत मैं एक ही विश्वास लाता हूँ कि यह जो आपका मान सम्मान जो आपने मुझे दिया है, इससे बड़ी पूंजी मेरे पास नहीं है। मैं कोशिश करूंगा इसे आगे बढ़ाऊं, लेकिन इसमें कमी नहीं आने दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शर्मा जी। मेरे भाइयों, आज जिस सिचुएशन से हमारा प्रोफेशन गुजर रहा है, जिस सिचुएशन में हम रह रहे हैं, ये किसी को आगाह करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। 18 मार्च का इलेक्शन लास्ट में डेट इन्होंने दे दी थी। हम कहते रहे 18 के बजाय 13 को कर दो, फ्राइडे है, फ्राइडे को ही नॉर्मली यूजुअली इलेक्शन फ्राइडे को होता है हर बार। इन्होंने क्या सोच के 18 मार्च रखा ये किसी मेंबर को नहीं पता। 13 मार्च को इलेक्शन अगर रखते तो बड़ा पीसफुल इलेक्शन हो जाता। 18 को रखा, 16 को एक लेटर आ गया जब कंपेनिंग शुरू खत्म हो चुकी थी, लास्ट डे था कंपेनिंग का, 18 के इन्होंने डेट लग दी। एक्चुअली जीपीएम में इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करना होता है, कोई जीपीएम नहीं हुई थी इस बार में, ये सबको पता है। हाई कोर्ट में एक पिटिशन थी, हाई कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा, वहां इन्होंने एक प्रपोज इलेक्शन कमीशन दे दिया। तो जब हाई कोर्ट ने रिव्यू किया इनको, व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोज इलेक्शन, प्रपोज इलेक्शन कमीशन, तो तब इन्होंने कहा वी अडॉप्ट दिस प्रपोज्ड एज फाइनल इलेक्शन कमीशन। ये मॉकिंग तो वैसे शुरू हो गई थी जब इलेक्शन बॉडी बनाई, बाल का मजाक तो उसी दिन से शुरू हो गया था। सर्वसम्मति से कोई इलेक्शन कमीशन नहीं बनाया गया इस बार में, अब की बार जो एक ट्रेडिशन था पहले से। इन्होंने शुरू से इलेक्शन को पोस्टपोन करने की, आगे डेफर करने की कोशिश करते रहे। लास्ट में जब इनको और कुछ नहीं मिला तो ये बहाना हो गया कि शर्मा साहब का पैर जल गया। चलो मैंने सोचा शायद ये मेरे लिए कर रहे हैं, मैंने जल्दी से जल्दी अपना स्टिक लेके मैं 1 फरवरी को कोर्ट में आ गया था और मैंने डिक्लेयर कर दिया था इलेक्शन करवा दो भाई। करते करते इलेक्शन लिस्ट में इतनी देर लगा दी, वो डिफेक्टिव बना दिए जो इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर रखा था इन्होंने लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए, 2 सीनियर मेंबर्स, पहले तो उन्होंने इलेक्शन लिस्ट डिफेक्टिव बना दी। उसके बाद जब ऑब्जेक्शन आए दोबारा लिस्ट बनी, उसमें भी देर हो गई। और अति तो कब होगी जब इलेक्शन लिस्ट फाइनल होके भी
इलेक्शन नहीं करवाया गया। तो ये शुरू से ही डिलेटरी टैक्टिक्स अपना रहे थे। मुझे नहीं पता ये इंटेंशन क्या थी। अब ये कोविड आ गया, कोविड में शुरू शुरू में हम भी ये सोच रहे थे पेंडेमिक है भाई, पेंडेमिक है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, मेंबर्स ने प्रेशराइज नहीं किया। अब जो डे बाय डे हम सफर कर रहे हैं, इसलिए मैंने आज का जो मीटिंग रखा था ये एजेंडा, पहला एजेंडा था करप्शन इन जुडिशरी। जुडिशरी में इतना करप्शन है आज के दिन, हाईकोर्ट में कह रखा है 25% जजेस बैठेंगे, 25 भी नहीं बैठते, और जो बैठते हैं वो भी अपना सोच के आते हैं कि आज कितना माल ले जाएंगे। We are all encouraging, we are part of this। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के वकीलों की फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल कंडीशंस तो बहुत नीचे आ गई, उसके साथ आपकी यूनिटी खत्म हो गई। सबसे बड़ा असर जो बारों की यूनिटी खत्म हो गई, बारों का प्रेशर जो जजों के ऊपर था वो प्रेशर नेग्लिजिबल हो गया, वो प्रेशर खत्म हो गया। बारों का प्रेशर जब खत्म हो जाए तो वहां फिर अनार्की का टाइम आ जाता है। मैं अगर फिजिकल अटेंडेंस कर रहा हूं, अगर फिजिकल कोर्ट फंक्शन कर रही है, दोनों तरफ के वकील खड़े हैं, जज की हिम्मत नहीं होती कि कोई और ऐसा कर दे जो हाईकोर्ट में जाए। अब इनके पास कोई प्रेशर ही नहीं है, दे हैव नो प्रेशर एट ऑल, ना जुडिशरी के ऊपर प्रेशर है, ना पुलिस वालों, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर है। ये मतलब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एनआरकी, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सिस्टम में दिलवे बार। जब बार का खत्म प्रेशर हो जाता है तो जुडिशियल चैरियट जो बोलते हैं ना, ये हर एक फंक्शन पर बोलते हैं कि जुडिशरी में दो पहिए हैं, एक रथ है और उसके दो पहिए हैं, चैरियट है उसके दो पहिए हैं, एक जुडिशरी और एक बार। एक पहिया इन्होंने पंक्चर कर दिया जानबूझ के, और उसमें हमारा भी पार्टिसिपेशन है, हमारा भी पार्टिसिपेशन है। हम अगर अलर्ट है, हम अगर अलर्ट है, तो ये जो आजकल चल रहा है, कल मैंने एक ऑर्डर देखा कटुमा कोर्ट का, एक जज का, क्या पॉइंट लिखा थी ऑर्डर में, क्या पॉइंट है, दो पेज का ऑर्डर है और उसमें पूरा एक पेज, डेढ़ पेज तो पॉइंट है, पॉइंट है उसमें पूरी की पूरी। लास्ट लॉ बेल दे लिखा रहे हैं गेट्स को, बट इज इट नॉट ए मॉकरी? क्या जुडिशियल सिस्टम में ऐसा होना चाहिए जहां एक पहिया काम नहीं कर रहा, दूसरा पहिया अपनी मर्जी से चल रहा है? क्या चल सकता है? इसको करने के लिए भाई इलेक्शन जरूरी है। मैं करप्शन के डेट अगेंस्ट हूं जुडिशरी में। अगर जुडिशरी में करप्शन बढ़ गया तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन क्रॉप्स हो जाएगा, और जो हो रहा आज के दिन, हम उस फैमिली, उस परिवार के सदस्य हैं यार, जहां पहले बार काम करती है फिर जुडिशरी आती है। मैं हमेशा अपने स्पीच में कहता रहता हूं कि इट इज नॉट बेंच एंड बार, इट इज बार एंड बेंच। अब बेंच में नहीं लगी, बार खत्म कर रही है लोग,
तो आज का टाइम, अब मैं देख रहा हूं स्ट्रेक्ट मेरे भाइयों की, आज मैं सोच रहा था कुछ भाइयों का विचार था कि जीपीएम कर लो, जीपीएम का देखो, जीपीएम का हमारा है, पर जीपीएम का प्रोसेस एक लंबा है, पर कम से कम जीपीएम जैसी स्टेक तो हो, कहां गया जिसका हमारा। आज हम इतने पंगे हो गए, देखो पैंडेमिक कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छे दिन भी लेके आया है, और मैं बता दूं ये जो स्टेप देके हम आज माइनॉरिटी में है, वे जो कि पीपल दे आर क्रेजी इन दिस बीसी सिस्टम, व्हाई बिकॉज मेरे पास मीटर आ गया तो वकील क्या करता है भाई, सीधा किसी सीनियर के पास जाएगा और सीनियर अपने ऑफिस में बैठ के, चाहे अहमदाबाद का केस हो चाहे बेंगलोर का हो, सीनियर वहां हैंडल कर लेते हैं। ये आपकी बॉडी को डिस्ट्रिक्ट लेवल के वकीलों को खत्म करने की बहुत बड़ी मुहिम है। हां, पर अगर जज्बा आपका है तो आज इस ललकार को मान के, हालांकि मैं ललकार नहीं हुआ, बहुत मैं बड़ा दुखी हूं आज इतना सबने कह के, सबने रिक्वेस्ट करके कि 16 नंबर में आ जाओ, 16 नंबर में आ जाओ, सबकी रिक्वेस्ट के बावजूद हम इतने आए हैं। वेर आर द पीपल, कहां गई हो हमारी एनर्जी, वो जज्बा कहां गया, जोश कहां गया। जागो मेरे भाई, आज हम और आप और हमारे बीच में कुछ भाई तो ये सोच सकते हैं कि यार हमारा तो पीरियड, हमारा तो एज होगी, क्या करना है, बैठेगा। पर आने वाली जनरेशन कोसेगी आपको, अगर ये चलता रहा, ये गवर्नमेंट की भी स्कीम चल रही है जुडिशरी के साथ मिलके, क्योंकि ये चाहते हैं बाहर बगैर जुडिशरी चले, बाहर के बगैर जुडिशरी चले, बाहर का कोई प्रेशर ना हो जुडिशरी के ऊपर। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट मंगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और पार्लियामेंट्री की कमेटी की रिपोर्ट ये आ गई है कि दिस सिस्टम मस्ट कंटिन्यू, सिर्फ हीनियस क्राइम्स में जहां विटनेस मेटेरियल हो उसको बना लो, और 10-15 केस डेली के एक जज के पास हो और वो अपना करके अपना आराम से बैठे, बाकी केसेस। अब ये आपने देखा होगा एमएससीटी केसेस और एनआईएक्ट में तो इन दोनों चालू कर दिया है कि दिस बीसी सिस्टम, द कंप्लीट बीसी सिस्टम विल प्रिवेल। अब धीरे धीरे ये सिस्टम को खत्म करेंगे, एंड आई डोंट नो वेयर द बार विल गो, वेयर द कंट्री विल गो, नोबडी नोस। तो मेरे भाई, ये मीटिंग में चाहूंगा, आज हमारी शुरुआत है, ये कंटिन्यू रहनी चाहिए हर 15 दिन फॉर्मेलिटी, और टाइम आ गया है, हम यहां से आह्वान कर रहे हैं, मेरी खोसला साहब से रेगुलर बात हो रही है और वकीलों से बात हो रही है, टाइम आ गया है, वी मे हैव टू गो ऑन नोट्स। एक दिन ट्रैफिक बंद हो जाए, एक दिन ट्रैफिक बंद हो जाए तो बहुत असर पड़ता है, और कोई चारा नहीं है। अगर आपने सर्वाइवल करना है तो जाग जाओ, अगर इफ यू वांट टू कमिट सुसाइड जैसे पहले लोग करते रहे हमारे प्रोफेशन में, अगर दिस इस दौरान कोविड के दौरान कितने लोग हमारे चले गए, इट इज रियली शेमफुल फॉर दी
the system, and make all the same book for the committee sit in the office. They are only worried about their own pockets. And they are the people who are raising the lawyer, the judges sitting there. ये इलेक्शन बड़ा डेंजरस है सिस्टम के लिए. आज जजेस पैसे खुश हो रहे हो, अगर वकील नहीं होगा तो जूते मारेगी पब्लिक इनको. हम हैं तो सीनियर है जुडिशरी के भी. सिस्टम में वकील नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इनको पिक्चर दिखा देंगे. आज मैं अपनी कमेटी को भी कहता हूं, ऐसे मत करो वकीलों के साथ. हमने पहले बार में देखा है, आप लोगों ने सबने देखा है, द मूवमेंट टर्म इज ओवर द ऑफिस यू टू बी एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ मैं कितनी बार फेसबुक पर लिखा, अरे इलेक्शन कमीशन भाई ऑफिस टेक ओवर कर लो. अजीत मेरी रिक्वेस्ट है, ओथ कमिश्नर टेबल प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दे यार, हम आपके लिए काम कर रहे हैं मेरे भाई. थोड़ा सा बियर विद अस, जोगिंदर जी. मैं तो बल्कि इस सिस्टम से अच्छा जो आज का सिस्टम चल रहा है ना, इससे अच्छा उसको समझ रहा था जो पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था. जब कंप्लीट लॉकडाउन था, ये ना तो जीने में ना मरने में, ना तो जीने देते ना मरने देते. भाई जहां जाओ मैं तो ये कहूंगा, और मैं ज्यादा बोलूंगा, ज्यादा बातें आएगी, तो मैं तो ये कहूंगा, देखो कम से कम कैंडिडेट्स को तो ऐसे मुहिम में पार्टिसिपेशन करना चाहिए. मैंने एक बात और बताता हूं, जो ये इलेक्शन का मामला चल रहा है, 5 सितंबर को मैंने हाईकोर्ट को एक चिट्ठी लिखी थी. 5 सितंबर को हाईकोर्ट में चिट्ठी लिखी, क्योंकि जुडिशियल साइड में मैं थोड़ा सा रिलेक्टेड था जाने के लिए, कि जुडिशियल साइड का ऑर्डर नहीं था, ये दिस वाज ए ऑर्डर फ्रॉम द बीएमसीसी, बिल्डिंग मेंटेनेंस कमेटी हाईकोर्ट का था ये ऑर्डर जो इलेक्शन को डेफर करने का. इसलिए मैंने अपना चीफ जस्टिस को लिखा, रजिस्ट्रार जनरल को लिखा, कॉपी इनको भी दी बार ऑफिस में, ये तो अपना चुप बैठ गई. वहां से मेरे को एक कॉल आई, 5 सितंबर की चिट्ठी, मेरे को कॉल आई 7 अक्टूबर को. बीच में जो ड्रामा हुआ यहां पे वो भी मैं बता देता हूं. जैसे मेरी चिट्ठी वहां पहुंची, वहां से कमेंट्स मांग रहे डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट ने विनोद कुमार जी को कहा कि जाओ देख क्या हो गया. वो पूरा वीडियो लेके, पूरा सिस्टम लेके, 3-4 जजेस और ड्रामा यहाँ 16 नंबर में आगे, और यहां से लोगों को धमकाया, क्यों इतने इकट्ठे हो रहे हो, व्हाई डोंट यू मेंटेन दी सोशल डिस्टेंस, और कोविड है, ये है, वो है. वो रिपोर्ट उन्होंने वापिस दी हाईकोर्ट में. कल मेरे को इन्विटेशन आया 8 अक्टूबर की मीटिंग के लिए, वर्चुअल मीटिंग के लिए. तो 8 अक्टूबर को मैंने अटेंड करी वो मीटिंग. उसमें 3 बीएमसीसी के जज थे हाईकोर्ट के, सिद्धार्थ मंजूर साहब, अपने एक्स डिस्ट्रिक्ट जज, यहाँ के फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज जो आजकल हाईकोर्ट में है, रजनीश पटनागर, और एक और हरिशंकर साहब इंडियन जज है. तीनों जज ने पेशेंटली मुझे सुना. मैंने जब कहा मका जी मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है
एटलीस्ट यू गिव अस द डेट ऑफ इलेक्शन बिकॉज इलेक्शन वर डेफर्ड ऑन योर लेटर ऑन योर सर्कुलर नाउ यू प्लीज गिव अस द डेट ऑफ इलेक्शन एटलीस्ट वी आर इन कंफ्यूजन वी आर नॉट फाइंडिंग एनी वे. तो जस्टिस मिंटू ने यह कहा मिस्टर सरोवा नेक्स्ट वी आर डेफरिंग दिस इश्यू फॉर द नेक्स्ट मीटिंग वी विल कॉल द इलेक्शन कमीशन इन आरओ ऑल्सो वी विल कॉल देयर कमिट्स. ओके जी मैंने कहा मगर छोटी डेट वेट कर देना जी मेक इट ए शॉर्ट. फिर उन्होंने मजाक में कहा केसों में आप लंबी डेट लेते हो और यहां मैं कहता हूं आई डोंट गो विद दैट बिकॉज दिस इज ए वाइटल इश्यू रिगार्डिंग द बार लिमिट रिगार्डिंग the maintenance with the this is regarding the bar systems administration of the bar ko aapne down kar diya kam se kam give us the short date in this. To 8 october ko mere board meeting attend ki beech mein unka koi mere ko itla nahi hai sirf ek extract bheja us din ki meeting ka ek extract bheja unhone ki these were the issues taken and these were the issues discussed regarding the elections. So, ab election commission ke RO ke unhone comments mange hain us meeting ke liye. Maine unko ye kaha tha RO sahab ko, main kaha RO sahab aap comments dene se pehle candidates ki meeting bula lena pehle candidates ke views le lena. आज तक कोई कंडीशन